हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो सारे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी सुबह के जो 9 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड होने वाला है। तो आज जा रहे हैं हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। तो गाइज़, हम गेट के पास पहुंच गए हैं, गेट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर वन विभाग का बोर्ड देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है वीओ का क्वार्टर देखने को मिलता है और इसके साथ ही जो है रेस्ट हाउस है, यहाँ पर जो आप पिकनिक वगैरह मनाने आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और इसके साथ ही घना देवदार का जंगल है, ये आप देख रहे हैं, घना देवदार का जंगल। ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर है, बिल्कुल शांत जगह है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल एकांत। यहाँ पर फूल है तरह तरह के। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पर जो टैंक देखने को मिलता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जो पानी जो है नर्सरी की सिंचाई के लिए यूज़ होता है। और साथ में यहाँ पर आपको गार्ड का रेस्ट हाउस देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है आपको जायके की नर्सरी देखने को मिलती है। यहाँ पर तरह तरह के देवदार और बान के पेड़ हैं, ये देख रहे हैं आप, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, घने देवदार और यहाँ पर बान के घने पेड़ देख रहे हैं आप। यहाँ पर एक नर्सरी है, दूसरी साइड जो है और नर्सरी है इस। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं फॉरेस्ट नर्सरी के गेट के पास, तो अंदर चलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर जो बहुत बड़ी नर्सरी है, यहाँ का प्लांट जो है दूर दूर तक सप्लाई होता है। गाइज़, फाइनली हम नर्सरी पहुंच गए हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देवदार के प्लांट, यहाँ पर तरह तरह के प्लांट है। तो आगे चल के देखते हैं क्या क्या प्लांट देखने को मिलते हैं, तो चलिए। तो गाइज़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इस नर्सरी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ, इसे दो सेशन में बांटा हुआ है। एक साइड जो है आपको देवदार और चीड़ और बान के पेड़ देखने को मिलेंगे और एक साइड जो है कुछ फ्रूट और आयुर्वेदिक प्लांट देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आप देख रहे हैं, ये है बान का प्लांट, इसे ओक भी बोलते हैं। ये पानी वाली जगह जो है ज़्यादा होता है, ये क्लाइमेट को भी काफ़ी ठंडा रखता है और इसका यूज जो है चारे के लिए भी किया जाता है। आप देख रहे हैं इस साइड जो है हिमालयन पाजा का प्लांट, इसे जो है वाइल्ड हिमालयन चेरी भी कहते हैं। हमारे यहाँ पर इसका यूज पूजा पाठ और शादी विवाह में किया जाता है। और इस प्लांट की खास बात है कि इसमें फूल और फल सबसे पहले आता है और इसी प्लांट को लेकर चेरी ब्लॉसम त्यौहार भी मनाया जाता है, ये जो है जापान में भी मनाया जाता है और भारत में मेघालय की कैपिटल शिलोंग में भी मनाया जाता है और नागालैंड में भी यह त्यौहार मनाया जाता है और हमारे यहाँ शिमला में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट के प्लांट देखने को मिलेंगे। जंगल में जब फ्रूट ख़त्म हो जाते हैं तो बंदर खेतों में आकर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो सरकार ने जंगली जानवरों को ध्यान में रखते हुए जंगल में ही फ्रूट प्रोवाइड करने का प्रावधान किया है। तभी आपको फॉरेस्ट नर्सरी में फ्रूट के प्लांट देखने को मिलेंगे, जिसमें अनार, अखरोट, अखमानी, चेरी के प्लांट देखने को मिलेंगे। गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है डांसिंग के प्लांट, इन्हें जो है कि मेरे बोलते हैं, ये भी फॉरेस्ट नर्सरी में लगाए गए हैं, इसे दांत जो है काफ़ी मजबूत रहते हैं इस डांसिंग के। तो चलिए आगे देखते हैं क्या प्लांट देखने को मिलते हैं, तो चलिए। आप देख रहे हैं हिमालयन रखाल का प्लांट, ये मेडिकल प्रॉपर्टी वाला प्लांट है। यह जो है 1000 से 3000 अल्टीट्यूड हाइट पर पाया जाता है। यह मीडियम साइज एवरग्रीन
ट्री हाई वैल्यू मेडिसिन प्लांट है। हिमाचल और उत्तराखंड में इसकी छाल से चाय बनाई जाती है और छाल को पीस कर जो पेस्ट बनाया जाता है उसका यूज जो है सर दर्द, फ्रैक्चर, जले हुए सूजन में भी किया जाता है। इस प्लांट की पत्तियों और छाल में टैक्सोल पाया जाता है। टैक्सोल एक प्रभावशाली एंटी कैंसर ड्रग है जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है। इस प्लांट का मेन यूज़ जो है ब्रेस्ट कैंसर और ओवरिन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ICUN नामक संस्था ने इसे एंडेंजर कैटेगरी में रखा है, यानी कि विलुप्त श्रेणी में रखा है। इस प्लांट के बचाव के लिए लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वन हल्दी के प्लांट थे उनको जो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, उसका उपयोग जो है जॉइंट पेन और बलगम की समस्याओं में किया जाता है और कुछ एक ही गिने चुने प्लांट रह गए हैं इसके। तो गाइज आप देख रहे हैं चिरायता, यहाँ पर जो चिरायता के प्लांट थे इसका उपयोग जो है मलेरिया और चर्म रोग और नेत्र रोग के लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुंठ, इसका उपयोग जो है हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग में किया जाता है। यहाँ पर बर्रे के प्लांट, इसका उपयोग सिर दर्द, खांसी, मिर्गी के उपचार के लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्क वाले के प्लांट है, इसका उपयोग जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सत्जलारी का प्लांट, इसका उपयोग जो धात रोग के लिए किया जाता है। तो गाइज आप देख रहे हैं पत्थर चट के इतने सारे प्लांट, इसका उपयोग जो है पथरी के उपचार के लिए किया जाता है। सीढ़ियाँ इसीलिए बनाई हुई है, यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं ताकि जंगली जानवर अंदर नर्सरी को ख़राब ना करे, तभी ये सीढ़ी इस डिज़ाइन से बनाई जाती है। तो अंदर आपको देवदार और बान के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो गाइस नर्सरी से बाहर चल के कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आप हमारी प्यारी सी खड्ड, ब्यास नदी की साय खड्ड, जीवनी खड्ड, इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा आपको। तो गाइस आप देख रहे हैं खड्ड कितनी आई, आजकल बरसात में बहुत खड्ड आती है हमारे यहाँ, तो हम खड्ड के पार नहीं जा सकते क्योंकि पुल नहीं बना है। खड्ड के पार का नज़ारा बहुत अच्छा है, कभी हम जाएंगे पिकनिक मनाने।
तो गाइस पानी से खेलने का अलग ही मज़ा आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल, थैंक यू।